राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश किसान सभा के आह्वान पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन। उत्तर प्रदेश किसान सभा के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह केंद्र प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा प्रदर्शन का आयोजन 17 जून 2021 को किया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु 3 कानून बनाई है, जिस पर हमें कड़ी आपत्ति है, जबकि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन के माध्यम से हमारी 5 सूत्री मांगे, केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, MSP की गारंटी दी जाए, गन्ने का मूल्य 500 प्रति क्विंटल का भुगतान तत्काल किया जाए, गेहूं क्रय केंद्र पर खरीद फरोख्त में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच किया जाए, नदी और नाली सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश किसान सभा के गुलाम मौर्य, रामनेत, मंगल देव आदि लोग उपस्थित रहे। बाइट इम्तियाज बेग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा आजमगढ़। आइए देखे योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मेरा नाम इम्तियाज बेग है, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर। आज हमारा धरना प्रदर्शन जो किसान सभा की तरफ से था, उत्तर प्रदेश किसान सभा से पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय तहसील से ब्लॉक तक चल रहा है। खासतौर से जो 6 महीने से ऊपर हो गया किसानों को 3 कृषि विरोधी बिल के खिलाफ MSP पर गारंटी के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सरकार इस पर सुन नहीं रही, इसको हम और तेज करेंगे, गांव-गांव जाएंगे। बरसात भी आ गया, घाघरा नदी में आजमगढ़ जिले में खास तौर से घाघरा नदी के बाढ़ से असल तबाह होता, अब ये लोग बांध बनवा रहे हैं, ठोकर लगवा रहे हैं, अब नाली साफ करवा रहे हैं, जबकि पहले होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, अब दौरा हो रहा है। खटियाव चीनी मिल पर 36 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसानों का बाकी है, 1 पैसा नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार रोज कहती है कि हम किसानों का काम कर रहे हैं, लेकिन 36 करोड़ से ऊपर सठियाँव चीनी मिल पर, 20 करोड़ से ज़्यादा घोसी चीनी मिल पर, करीब करीब 7 हज़ार करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी है, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है और गेहूँ नहीं खरीद रही है, गेहूँ की डेट बढ़ा रही है, किसानों की लूट हो रही है, सब सवालों पर, भ्रष्टाचार पर। मनरेगा में करोड़ों रुपया कोरोना काल में अकेले आजमगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपया मनरेगा में कोरोना काल में मशीन से खन करके दिखाया जा रहा है कि मनरेगा के मजदूर काम किए हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं ही नहीं उनके नाम पर काम हुआ है, करोड़ों रुपए आजमगढ़ में भ्रष्टाचार विकास के नाम पर हो रहा है। सब सवालों को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में हम धरना प्रदर्शन किए हैं, महापति जी राष्ट्रपति के नाम दिए हैं, इन्हीं सवालों को लेकर आजमगढ़ में भी हमारे साथी आए हैं और महापत दिया गया है, यहाँ जुलूस निकाले, जुलूस निकाल के महापत दे रहे हैं। आगे हम 25 तारीख से 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक गाँव में ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन को करेंगे, तहसील स्तर पर करेंगे, उसके बाद जुलाई के महीने में हम सम्मेलन करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम जेल भरो आंदोलन तक किसान सभा उत्तर प्रदेश में करेगी और इसको अंतिम पर्याय तक पहुँचाएगी, किसानों के सवालों को लेकर यही सब हम लोग किए। मेरे बगल में गुलाब जी हैं, बाकी लोग PP News 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।